तो गाइस अभी हम लद्दाधार के टॉप पे पहुंच चुके हैं और आप यहां से देख सकते हैं क्या व्यू, शानदार व्यू दिख रहा है और बहुत ही जबरदस्त है। यहां से आपको हम दिखाएंगे व्यू, नत्था टॉप भी यहां से 2 घंटे की दूरी पे अगर पैदल चला है इंसान, ये देख सकते हो आप पहाड़ी है पीर मंजिल की और टॉप पे हम आ चुके हैं इस टाइम। कम से कम हमें रोड से यहाँ तक पहुँचने के लिए 2 घंटे लग गए, अपना सामान लाना पड़ा हमें रास्ते से ही, हमें लकड़ी वगैरह इकट्ठी करनी पड़ी क्योंकि अभी हमें यहाँ पे खाना भी बनाना है, भूख भी लग चुकी है। तो अभी हम सभी गाइस से बातचीत करेंगे जो यहाँ पर हमारे सदस्य पहुँच चुके हैं। सर 3 घंटे के ट्रैवल के बाद आप यहाँ पहुँचे, आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि हम स्वर्ग में पहुँचे। लेकिन भूख तो लगी है ना? बहुत ज्यादा। हाँ तो ये लकड़ियाँ हमने इकट्ठी की हैं, आपका क्या कहना है? अभी देखेंगे, पहले कोई अपना खाना खाने का हम अरेंजमेंट करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ से आप पत्नीटॉप की पहाड़ियाँ, सुदमादेव की पहाड़ियाँ देख सकते हैं। अभी और भी बहुत अच्छी जगह है लेकिन अभी पहले हमें अपना खाने पीने का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद हम आपसे मिलेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सो गाइस यहाँ से आपको हम दिखाएंगे पंचेरी हिल स्टेशन जो है यहाँ से दिख रही है और ये बस्कारी टॉप, सपोर टॉप इस टाइम पे है जहाँ पे हम प्रेजेंट हैं और यहाँ से आप देख सकते हो नत्था टॉप हिल्स भी हैं जो आर्मी क्वार्टर्स यहाँ पे बने हुए हैं, वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। लेट्स हैव ए लुक गाइस, आप सोनासर की पहाड़ियां भी देख सकते हैं और सामने ये गुल संगलदान की पहाड़ी है, बहुत ही अमेजिंग व्यू है। तो अभी हम यहाँ पर क्रिकेट खेलने की तैयारी कर चुके हैं, क्रिकेट खेलने आ रहे हैं, बहुत बहुत हिल पर क्रिकेट खेलने की तैयारी। स्वर्ग में आ चुके हैं, नीचे कहां तक देखोगे, वाह अमेजिंग, काफी दूर है। अगर यहां से गेम कहीं आगे चलेगी